जो साहब आज आपको हम खिला रहे हैं फिश फिला। फिश फिला खाया आपने पहले? फिश तो सुने था, फिला की विचार असी जेड़ा ना मच्छी पाकिस्तान च ते बहुत है, सर्दियों च ते खास तौर ते बड़ी आला डिश हैगी है, पर जिस तरह मुर्गी का गोश्त हो गया, बकरे का हो गया, मझ कट्टे का गोश्त हो गया, इस तरह ये मच्छी नहीं खाधी जाती। हुण बंदा मच्छी खावेगा कंडे कंडे जी, वो कंडे कंडन ते इन्ना टाइम लगता, मच्छी ठंडी जाती, फिर ठंडी मच्छी का मजा नहीं आता। फिश फिला की कोई खाने वाली चीज़ है? मैं तो यार ना ही पहली बार सुनिया है। फिश फिला तो नहीं, मच्छी तो खाई दी है, वैसे फिश मच्छी क्यों कहते हैं, तो असी ज़्यादा दरिया सिंध की मच्छी खाधी है क्योंकि उस इलाके में रहने वाले हैं। मच्छी गंडा नहीं होता? कड़ी मच्छी आ गई, कोई स्पेशल मच्छी लगती मैं खिला दी। फिश फिला मच्छी ये की है गल है जी के मच्छी विला जड़ा ना वो कोई भी मच्छी हो बड़ी ताकत वाली चीज़ है, खास तौर पर यदा तेल वह तेल दे कैप्सूल बनाते हैं जोड़े बॉडी बिल्डर लोग खाते हैं, कमजोर बंदे खाते हैं। गल है जोड़े नबीने या मोहताज ने या बीबिया हड़ हराम ने जो कंडे तो डरते हैं उन्होंने वास्ते बेहतरीन है। बाकी है फिश फिले असी खा के वेखी कह दा की जायका है। बिस्मिल्लाह। वैसे यदा जेड़ा ना सिरे जेड़े होंदे ने ना जी उहदा सूप बना के असी बड़े शौक नाल इस्तेमाल करने हैं क्योंकि मच्छी की सारी ताकत उहदे सिर च ही होंदी जी। ये तो यकीन करो गोश्त भी पिछे कर दी, अड्डी स्वाद बनी मच्छी, कमाल ही बनाई जिस बंदे ने भी बनाई। सर जी ये मच्छी खा गई फैलमी मुर्गी खा ली एक बराबर है। दो तीन दिन पहले मैं मच्छी खाधी तो मेरे मुंह च बड़े कंडे बजे, ये कंडा ही कोई नहीं गा, मेरा मतलब है अमरीका च गोरे लोग खाते हैं यार, वेला सानू कंडे नहीं, मच्छी चलाने को बगैर कंडे इंसाफ ही नहीं। यह जी मच्छी वेला तुसी खाओगे? ये फिर बड़ा लवो मैं देखो। असल जी रल खाओ तो खंड खाओ तो कल्या तो फायदा कोई नहीं होता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तुसी ना मैं दस दे मच्छी है ये यकीन करो मैं पता ही नहीं लगना ही मच्छी की है, जिते कंडा भी कोई नहीं है, कमाल ही मच्छी की आ रहा है, पहली मैं वेखी मच्छी जी कंडे तो बगैर। तो मैं हमेशा तुम हमेशा कदों भी खाना मैं यही क्या घोल मिल के खा के खाना चाहिए, असं क्योंकि भगवान से तो कुछ चीज लै गए कि जो भी खाना खाना कुछ चीज़ खाना है, मच्छियों सू समझ नहीं है कि मच्छी खा रहे कहीं खाए कोई करना ही नहीं है। बड़ी अच्छी मच्छी इन्होंने पकई हुई कि मुँह पाने ना खुर जाती, कोई स्मैल भी नहीं आ रही मच्छी की, मसाला भी अच्छा लगे, जायका भी बड़ा मजेदार बनया है, कोई बंदा यह नहीं कह स्मैल नहीं आ रही कि मच्छी खा रहे हैं, लेकिन मजा ही आ रहा है और कोई चीज़ नहीं। क्या बात है, देखो किड्डी खुशकिस्मत मच्छी है, यह सीधी मेरी प्लेट च आ गई, पता नहीं किड़े समुंदर के बेचारी रही होगी, कित मगरमच्छ इनू पैंता है, कित शार्क पैंती होगी, कित केकड़े एरिया लाते हो गए, पर बेचारी बच बचा के आ ही गई इतने। ये मैं पहले खाधी है मच्छी, मैंने कोई तकरीबन एक बुरकी खान लगे ना,
दस पंद्रह मिनट लगे कंडे दे नाल मैं रफड़ पाया खाधी ना जाए मेरे को फिर मेरे एक कंडा दांत च वज गया है तो मच्छी बड़ी अच्छी है जी कंडा ही कोई नहीं है मैं गल है सर ए भी स्वाद माप स्वाद बहुत अच्छा है बहुत VIP अच्छा है लेकिन सर कंडिया का वो यको अभी कंडिया नहीं खाते आ रहे हैं बगैर कंडिया नहीं खावे तो यह भी चस्का लग गया मच्छी तो इंज है जिमें सारी बदम की गिरी है इस तरह के वेखो कह सकते बड़ी मजेदार चीज है स्वाद आ गया वैसे खंघ का इलाज भी है जो मच्छी मैं तुम दस दया जे तो खंघ लगी हो मच्छी खाओ तो मसमिया का जूस पियो तुहाडी खंघ भी ठीक कर देगी ते जे खंघ लवानी हो ते मच्छी खा के उत्तों बोतल पियो तुहानू खंघ ना लगेगी ते फिर कहना ऐ ते भावें अखां मीड़ के भजन खाई जाओ मच्छी यकीन करो पता ही नहीं लगन डिया मच्छी है बड़ी टेस्टी बनी ए राती सुते पे भी खाधी देखो तो कोई परवाह नहीं हैगी पिछले लै के खाधी देखो ना कोई कंडा होना है ना जा होनी खाधी पीती रखो सुते भी मच्छी जड़ी ना जा ते मजेदार भी बड़ी साढ़े ना इतने नौ महीने गर्मी पैंदी नौ महीने मच्छी नूं नहीं सी पुछदे हुण ठंड पै रही ठंड के उत्तों मेरे अगे मच्छी तुसीं मैनूं गल्लां चलाया मैनूं खा लैंदे ते बाकी यह है कि मच्छी पानी दा जानवर है ते इहनूं खा के पानी भी बहुता पीना पैंदा क्योंकि मेदी तैरती तुरदी रवे ना ते बाकी हुण विचारी तली गई है ते काफी सारे मिर्च मसाले लग गए ने मच्छी भी एड्डी जायकेदार हो सकती मैं ते पहली बार यकीन करो खाधी मच्छी एड्डी जायकेदार पहले मैं कदी नहीं खाधी है मच्छी कमाल ही बनी हुई है रखना जनाब कोई कंडा नहीं कोई लेना नहीं कोई देना नहीं बस अखा मीट के खाई जाओ ਇਹ ਮੱਛੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨਿਕਲਣ ਇਹ ਖਾਓ ਭਾਅ ਜੀ ਮੱਛੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਸੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਬੜਨਾ ਵਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਗ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ